हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम ड्राइव सो आज इस वीडियो में बात करने वाले ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो अभी रिक्रूटमेंट निकला हुआ है बीटेक वालों के लिए विदाउट एक्सपीरियंस उसके फॉर्म फ़िलअप के बारे में देख सकते हैं अभी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और ये आपका फिफ्टीथ मार्च तक लास्ट चलेगा अगर आपने अभी तक फॉर्म देखा नहीं है आपको नोटिफिकेशन के बारे में पता नहीं है तो मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कौन कौन से लोग एलिजिबल है अप्लाई के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अब इस फॉर्म में बात करें तो बहुत सारे वैकेंसी जिसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा गया बट हम लोग यहाँ पे बीटेक के लिए बात करेंगे और बीटेक में कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया देख सकते हैं यहाँ पे सीनियर ऑफिसर का जो पोस्ट है सिविल के लिए है यहाँ पे फोर इयर्स का आपको बीटेक बोला गया है सिक्सटी फाइव परसेंट मिनिमम रहना चाहिए यू आर के लिए एज लिमिट यहाँ पे ट्वेंटी सेवन है और वैकेंसीज की बात करें तो सिविल में यहाँ पे दो ही वैकेंसी है आपका जो सैलरी रहेगा वो आपको सिक्सटी थाउजेंड अप्रॉक्स रहेगा और आपका इंक्रीज़ करके जाएगा तो सैलरी में वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है नेक्स्ट बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको टोटल एट वैकेंसी है और यहाँ पर भी सारा चीज़ सेम है बस यहाँ पे ध्यान देंगे जो ब्रांच है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही एलिजिबल है कोई भी इसमें जो आपका सब ब्रांचेस होते हैं वो मिक्स ब्रांचेस उसका एलिजिबल नहीं किया गया यहाँ पर लिखा गया एक्सक्लूडिंग सो so, ये चीज़ एक बार देख लीजिएगा आपको अगर प्योर ब्रांच है जैसे सिविल में है तो सिर्फ सिविल इलेक्ट्रिकल में तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में भी टोटल सिक्स वैकेंसीज और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को एलिजिबल किया गया देख सकते हैं बाद बाकी जो भी उससे मिक्सअप ब्रांच है या सब ब्रांच है उसको एक्सक्लूड किया गया वो लोग एलिजिबल नहीं है नेक्स्ट उसी तरह देख सकते हैं आपको मैकेनिकल मैकेनिकल में टोटल ट्वेंटी वैकेंसी काफ़ी अच्छा मौका है और मैकेनिकल में भी सिर्फ मैकेनिकल एलिजिबल उसके साथ कोई भी उसके सब ब्रांचेस या फिर आपको मिक्स ब्रांचेस को एलिजिबल नहीं किया किया गया है तो ये चीज़ है यहीं तक है आपका जो चार ब्रांचेस है आपको बी टेक जिन्होंने किया यहाँ पर एलिजिबल है बाद बाकी बहुत सारे वैकेंसी उसमें एक्सपीरियंस बोला गया है तो वो आप लोग देख लीजिएगा जिनका होगा नेक्स्ट बात करें यहाँ पे 500 एप्लीकेशन फीस है नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो जो आपका रिटर्न होगा देन ग्रुप डिस्कशन होगा देन इंटरव्यू होगा तो ये देख सकते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अब डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं फॉर्म फ़िलअप में यहाँ पर स्टार्टिंग से बात करें कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपको एंड तक कैसे आपको पूरा फी पेमेंट वगैरह सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे देख सकते हैं इसकी लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऑल इंडिया लिमिटेड का ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप यहाँ पर आके कर सकते हैं फॉर्म फिलअप अब यहाँ पर आपको आना है नेक्स्ट सबसे पहले आपको अगर आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो क्लिक कीयर कीजिएगा यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा जो टॉप पर लिखा हुआ है हम लोग रजिस्ट्रेशन में डायरेक्ट आएंगे तो यहाँ पर आपको कॉर्नर पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा यहाँ से आपको अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा पोस्ट तो आप जो भी पोस्ट के लिए जैसे सीनियर ऑफिसर आपका बी टेक का है, तो यहाँ पर सिविल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पर क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ आपका जो होगा आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपने बेसिक डिटेल्स फिल करना है जैसे आपका नेम यहाँ पे फ़ोन नंबर ईमेल एड्रेस आपका जेंडर नेशनलिटी ये सब सो so, इस तरह से आपको फ़िलअप कर लेना है मैंने फिलअप कर लिया है उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है डेट ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट कर लेना है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया गया ये सब डिटेल्स आप फ़िल कर लीजिएगा आर यू एक्स सर्विस मैन या फिर आपका कोई इंटरनल कैंडिडेट है ओ आई एल में या फिर आपको डोमिसाइल है तो नो नो नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप पहले वर्क करें पी एस यू कहीं पर तो नो यहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ देन यहाँ पर आपका डेट कैलकुलेटेड होकर दिखा जाएगा देन कंटिन्यू पर क्लिक करना है सो इस तरह से कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल जो आपने अभी यहाँ पे भरा है उस पर एक ओ जाएगा उस ओ को यहाँ पे फिल कीजिएगा तो ही आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा तो ओ में आपका ओ जा रहा है उसको आपको फिलअप करना जरूरी है यहाँ पर सो इस तरह से आपके पास ओ आ गया रहेगा इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है अब यहाँ से आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है सो so, इस तरह से देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अब इसके बाद आपको अपने बेसिक डिटेल्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस और आपके डॉक्यूमेंट फोटो आपको सिग्नेचर और आपको मार्कशीट ये सब आपका कास्ट अगर है तो ये सब अपलोड करना रहेगा उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा सो so, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा आपको ईमेल पे आपका आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड भी सेंड कर दिया जाएगा तो उसको भी स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से रख लीजिएगा आपको लॉगिन में काम आएगा नेक्स्ट उसके बाद आपको नीचे आना है उसका सेव एंड कंटिन्यू करना है जो डिटेल्स आपने फ़िलअप की उसी को आपको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपने बेसिक डिटेल्स भरने फादर्स नेम मदर्स नेम यहाँ पे आपको मैरिड सिंगल एड्रेस वगैरह सो भी तो ये मैं फिलअप कर लेता हूँ आप भी फ़िल अप कर लीजिएगा अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स भरने थे तो मैंने यहाँ पे बेसिक डिटेल्स भर लिए है आपको यहाँ पे अपने बेसिक डिटेल्स एड्रेस वगैरह भर के यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान देंगे जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर वो सिर्फ और सिर्फ आसाम गुवाहाटी में दिया जा रहा है तो इस चीज़ का ध्यान देंगे एग्जामिनेशन आपका गुवाहाटी में ही होगा यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है आपको ऑटोमेटिक फिल ही आ रहा है तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो ये अगले पेज पे सेव हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप करना रहेगा सो so, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल्स भरना है इसके बाद तो यहाँ पे एक एक करके एजुकेशनल डिटेल्स फिल कर लेते हैं पहले आपको क्वालिफिकेशन के सेक्शन में सेलेक्ट करना है आपका बी ई जो भी है तो बी है नेक्स्ट यहाँ पर आपका किस यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है दे आपका सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल था वही आएगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया था सब ब्रांच और आपका मिक्स ब्रांच पर एलिजिबल नहीं है जो भी आप पहले सेलेक्ट किए वही सिर्फ दिखाएगा नेक्स्ट ईयर ऑफ़ पासिंग यहाँ पे दिखाएगा सो ईयर ऑफ़ पासिंग जिस भी ईयर में आप पास आउट हुए वो ईयर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आपको ग्रेजुएशन का परसेंटेज बोला जाएगा तो अगर आपका यहाँ परसेंटेज में है बीटेक का तो आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा परसेंटेज बट अगर आपका सी जी पी है एस जी पी है या फिर आपका ग्रेड्स में है तो उसको कन्वर्ट करके आपका जो कन्वर्जन फार्मूला होता है हर एक यहाँ पर आपको जो भी यूनिवर्सिटी रहता है सबका कन्वर्जन फार्मूला अगर सी जी पी है में या एस जी पी है या फिर ग्रेड्स में है तो उसके पीछे में यहाँ पर या फिर नीचे में ही आपको कैसे कन्वर्ट करना है वो चीज़ लिखा रहता है परसेंटेज में तो परसेंटेज में कन्वर्जन कैसे करना है वो चीज़ बहुत ज़रूरी है तो उसको उस उस हिसाब से कन्वर्ट करके यहाँ पर आपको परसेंटेज वाला फ़िलअप करना है नेक्स्ट यहाँ पर मैंने पहली बताया आपको यूनिवर्सिटी का नेम फ़िलअप कर लेना है तो इस तरह से एक एक करके डिटेल्स मैं फ़िलअप कर लेता हूँ सो so, जब आप ये फ़िलअप कर लीजिएगा यूनिवर्सिटी देन परसेंटेज देख सकते हैं उसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अदर क्वालिफ़िकेशन अदर क्वालिफ़िकेशन टू ये सब फ़िलअप करने की कोई जरूरत नहीं है आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते कोई दिक्कत नहीं है बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जो बैचलर्स डिग्री ऑफ़ मिनिमम फोर इयर्स ड्यूरेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स है इसको आपको टिक करना ज़रूरी है तो इसको ज़रूर टिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको इसको रिमार्क्स को ब्लैंक छोड़ सकते हैं देन सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है सो इसके बाद आपका लास्ट जो वर्क एक्सपीरियंस ये आ जाएगा वर्क एक्सपीरियंस हो तो भी आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं नहीं है तो इसको तो ब्लैंक छोड़नी है कोई दिक्कत नहीं है आपको इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है नेक्स्ट जो लास्ट आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड आ जाएगा यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है अपना अब फ़ोटो का यहाँ पे देख लीजिए दो सौ के बी से कम का आपको फोटो बोला है और डायमेंसन आपको यहाँ दे दिया है हंड्रेड और वन फिफ्टी तो यहाँ से आपको अपना फाइल सेलेक्ट कर लेना है फोटो का नेक्स्ट यहाँ से सिग्नेचर भी टू हंड्रेड के बी का बोला गया है। ब्लैक इंक याद रखिएगा ब्लैक इंक से आपको सिग्नेचर करना है उसका फ़ोटो लेना है उसको आपको दो सौ के बी से कम में कर देना है और सेलेक्ट कर देना है नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंने कैटेगरी सेलेक्ट किया था एस सी तो यहाँ पे मुझे आया था सेलेक्ट करने का अगर आप यू आर से तो आपको यहाँ पे कैटेगरी का नहीं आएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जिसका कैटेगरी रहेगा उसी को आएगा तो जैसे जैसे आप आ, आगे में अगर आप कुछ सेलेक्ट किए हुए हैं तो उसका यहाँ पे आपको डिटेल्स देना पड़ेगा तो कैटेगरी मैंने सेलेक्ट किया था तो यहाँ कैटेगरी अपलोड करने आया कैटेगरी का जो है वो पी फाइल अपलोड होगा यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट जो भी रहेगा और वो ए के से कम का होना चाहिए तो ये तीनों फाइल कर लेते हैं सो so, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले फ़ोटो पे जाना है देन चूज़ फाइल पे क्लिक करना है चूज़ फाइल पे क्लिक करते फाइल्स का ऑप्शन आएगा और आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ देख सकते हैं ये थर्टी नाइन के बी का है तो मैं थर्टी नाइन के बी का सेलेक्ट कर ले रहा हूँ जैसे सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करूँगा देख सकते हैं अब अगर आपको भी इस तरह का कुछ एरर देगा जो कि हंड्रेड परसेंट है कि हर किसी को एरर देगा यहाँ पे आपका फ़ोटो साइज का जो आपका जो पिक्सल्स रहना चाहिए वो आपको हंड्रेड इंटू हंड्रेड मिनिमम रहना चाहिए या फिर डेढ़ सौ गुना डेढ़ सौ रहना चाहिए तो ये आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है परेशानी होना है मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वहाँ पे जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है उस एप्लीकेशन का दो तरीका से आप यूज़ कर सकते हैं दोनों तरीका मैं आपको बता रहा हूँ एक एप्लीकेशन है जो कि अगर आपका फ़ोटो है आपका फ़ोटो सिग्नेचर या फिर कुछ भी है उसको अगर आपको कम साइज़ का करना है मान के चलिए कि आपको यहाँ पे आपका फोटो है एक एम बी डेढ़ एम बी दो एम बी का उसको आपको दो सौ के बी से पहले तो कम का लाना है उस दो सौ के बी से कम लाने के बाद आपको उसको पिक्सल्स में भी लाना है कि इतना से इतना पिक्सल्स में रहना चाहिए तो दोनों तरीका मैं आपको करके बता रहा हूँ अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही कर सकते हैं आपको कहीं भी कैफ़े वगैरह लैपटॉप कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगा सो so, सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे अगर आपको कम के बी में करना है मान के चलिएगा आपका एक दो एम है उसको कम के बी में करना है तो एक एप्लीकेशन जिसका नाम है क्यू रिड्यूस लाइट इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्ले स्टोर से भी डाउनलोड हो जाएगा जस्ट आपको सर्च करना है क्यू रिड्यूस लाइट अब इसको क्या करना है जैसे आपको कोई फोटो है जैसे मैंने ये गैलरी से एक फोटो एग्जाम्पल के लिए उठा लिया ये आपका एक दो एम का मान लीजिए फोटो है या फिर सात सौ आठ सौ के बी का जो भी है अब इसको आपको करना है सिंपल से गैलरी जाके शेयर करना है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना देख सकते हैं ये ऐसा दिखेगा जो थर्ड नंबर पर आपको दिख रहा है क्यू रिड्यूस लाइट इस पर आपको सिंपल से जाकर शेयर कर देना है जैसे आप इस पर शेयर कर दीजिएगा मान के चलिए कि आपका जैसे ये मेरा आपको थर्टी नाइन के बी का फोर के आपका मतलब कि फोर्टी के बी का ऑलमोस्ट है तो इसको जैसे मान के चलिए कि आपका आया है अब आप इसको आपको कम करना है तो मान के चलिए आप आठ सौ नौ सौ के बी का है या डेढ़ दो एम बी का है तो आपको वहाँ दिखाएगा जितने के बी का आपको करना है दो सौ के बी से कम का करना है सिंपल सा वन एट्टी के बी टाइप कर दीजिए आपका क्वालिटी लगभग वैसे ही रहेगा क्वालिटी में उतना रिड्यूस नहीं आता है आप दूसरा किसी एप्लीकेशन को यूज़ कर लीजिए क्वालिटी आपका रिड्यूस हो जाता है क्वालिटी वैसे ही रहता है और आपका कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल सा वन एट्टी टाइप कीजिए और कंप्रेस पर क्लिक कीजिए दो तीन सेकेंड में आपका कंप्रेस हो जाएगा उसके बाद आपको करना क्या है ये आपका फाइल साइज हो गया दो सौ के बी से कम का मान के चलिए कि आप एग्जाम्पल के लिए डेढ़ सौ कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको अब जब ये डेढ़ सौ के बी का हो गया आपका अब करना क्या है अब इसको आपको पिक्सल्स में हैं सौ गुना सौ या फिर डेढ़ सौ गुना डेढ़ सौ इन दोनों के बीच में लाने तब आपको करना क्या है ये फोटो आपको मिलेगा कहाँ जो डेढ़ सौ के बी में कन्वर्ट हुआ तो ये आपको मिलेगा आपके फ़ोन के इंटरनल मेमोरी कार्ड में जहाँ इंटरनल मेमोरी है जो उसमें जाइएगा उसमें क्यू रिड्यूस लाइट नाम का एक फोल्डर बन गया रहेगा नीचे में और उसके अंदर में आपको ये फोटो मिल जाएगा जो कि आपका कन्वर्ट होकर आएगा अब उसको वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है डेढ़ सौ के बी जो हुआ उस डेढ़ सौ के बी को आपको पिक्सल्स में आप कन्वर्ट करना है प्रॉपर जो सौ गुना सौ का एरर दे रहा था या फिर डेढ़ सौ गुना डेढ़ सौ उसको आपको कैसे करना है उसके लिए आपको एक दूसरे एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है पिक पिक्सल लैब सो so, मान के चलिए ये फोटो आपका है जो प्रॉपर आपको डेढ़ सौ के बी या फिर एक सौ अस्सी के बी में आ गया दो सौ के बी से कम में अब आपको इसको करना क्या है आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है पिक्सल लैब पिक्सल लैब करने के बाद आपको जाना है शेयर पे ऑप्शन पे यहाँ पे फोटो मान लीजिए आपका ये या फिर आप कहीं से भी जाइए शेयर पे जाना है उसको और उसको देख सकती है फोर्थ नंबर में जो दिख रहा होगा आपको पिक्सल लैब इस तरह का आपका एप्लीकेशन का आइकन रहेगा इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्ले स्टोर पर भी पॉपुलर है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पिक्सल ऐप पर आपको क्लिक करना है जैसे आप पिक्सल एप पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह से आएगा इसको आपको यहाँ पे टिक कर देना ओके जैसे आप इसको टिक कर दीजिएगा अब ऊपर आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर यहाँ पे आपको थ्री ये थ्री डॉट मेन्यू दिख रहा होगा देख सकते हैं और यहीं पर आपको एक बटन दिखेगा बीच में मिडिल में शेयर का ऑप्शन इस शेयर पे आपको क्लिक करना है शेयर पे आपको क्लिक करने के बाद आप कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे जो डायमेंसन लिखा हुआ दिख रहा है इस डायमेंसन को आपको डिफ़ॉल्ट जो लिखा हुआ है इसको आपको क्लिक करना है कस्टम पे कस्टम पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे नाइन सिक्सटीन टू ट्वेल्व हंड्रेड एटी है इसको आपको डेढ़ सौ गुना डेढ़ सौ कर लेना है देख सकते है यहाँ पे डेढ़ सौ गुना डेढ़ सौ करके यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है जैसे आप सेव टू गैलरी पे क्लिक कीजिएगा आपका इमेज सेव हो गया अब ये फ़ोटो आपको कहाँ मिलेगा जो आपका पिक्सल वाइज सेव हुआ है तो ये मिलेगा आपको पिक्सल लैब में सो so, देख सकते हैं आपका गैलरी में फोटो बन जाएगा आपको कहाँ मिलेगा ये देख सकते हैं आपके इंटरनल स्टोरेज में पिक्सल लैब नाम का एक फोल्डर बन गया रहेगा उस फोल्डर के अंदर ये फोटो मिल जाएगा रिजोलूसन आप पढ़ सकते हैं डेढ़ सौ गुना डेढ़ सौ हो चुका और ये फाइल साइज़ और भी कम हो जाएगा मान के चलिए कि आपका एक सौ अस्सी के बी में आपने किया होगा तो ये ऑटोमेटिक आपका डेढ़ सौ या सौ के बी हो जाएगा जैसे मेरा ये फोटी के बी का ऑलमोस्ट था तो ये फिफ्टीन के भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे बस अपलोड करना है आपको भी अपलोड करना है काम आपका हो जाएगा अभी आपका डेढ़ सौ गुना डेढ़ सौ में आ गया है अब यहाँ से आपको जाके इस फोटो को जो पिक्सल लैब को इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे कोई एरर नहीं देगा मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ so, सो हम लोग वापस आ गए यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करने में तो फोटो को मैं यहाँ पर चूज़ फाइल फार फार पर जा रहा हूँ चूज़ फाइल पर फाइल्स पर क्लिक कर रहा हूँ देन वापस से मैं यहाँ पर जा रहा हूँ आपको पिक्सल लैब में आपको मिलेगा ये आपको जैसे मैंने बताया पिक्सल लैब नाम का आपका फोल्डर बन जाएगा उसमें आपको इंटरनल मेमोरी में दिखेगा देख सकते हैं ये अभी जो कन्वर्ट हुआ था आपका वही इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ देन अपलोड कर रहा हूँ जैसे अपलोड करूँगा देख सकते हैं ये प्रॉपर अपलोड हो चुका है यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेम इसी तरह से आपको सिग्नेचर को भी कर लेना है प्रॉपर पिक्सल्स में कर लेने हैं जो पिक्सल्स वहाँ पे एयर शो करेगा उतने में कन्वर्ट कर लेना है पहले आपको साइज कम करना है आपको क्यूरिडी स्लाइड से उसके बाद उस फ़ोटो को आपको पिक्सल ऐप के थ्रू पिक्सल्स को प्रॉपर पिक्सल में कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एक एम से कम का आपका कास्ट सर्टिफिकेट कर देना और अपलोड कर देना है जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको फ़ोटो के साथ जैसे आपने किया डिट्टो आपको यहाँ पे इस सिग्नेचर के साथ वैसे ही करना है आपको कन्वर्ट करके थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप कर लीजिएगा आपको मोबाइल फ़ोन से ही हो जाएगा सिंपल सा मैंने उसी तरह से सिग्नेचर को भी कर दिया मैं जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ पिक्सल साइज भी मैंने सेट कर दिया है उसके बाद मैं यहाँ पर जा रहा हूँ पिक्सल एब में देख सकते हैं पिक्सल एब में देख सकते ये सिग्नेचर है इसको मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं अपलोड कर दे रहा हूँ तो सिग्नेचर भी देख सकते हैं प्रॉपरली अपलोड हो चुका है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली दे रहा है और अगर आपका एरर शो करेगा तो मैंने पहली बताया जो पिक्सल आपको लिखेगा उस पिक्सल में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा हो जाएगा देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए मैंने फोटो और साइन दोनों अपलोड कर दिया है अब कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात रही तो ओनली पी मैक्सिमम वन एम तो अगर आपको पी का साइज कम करना है मान के चलिए कि आप फोटो यहाँ पर पी का ले रहे हैं अपने कास्ट सर्टिफिकेट का और आपका पी बन जा रहा है एक एम बी दो एम बी तीन एम बी का तो एक एम से कम का करना है तो उसको करने के लिए सिंपल से आपको ऑफिस वेबसाइट पर जाना है गूगल पे गूगल पे जाकर आपको सिर्फ टाइप कर देना है पी फ़ाइल रिड्यूसर साइज आपको मिल जाएगा बहुत सारे वेबसाइट वहाँ पर जस्ट आपको अपना ड्रैग एंड ड्रॉप करना है पी और आपका कम हो जाएगा वो सो so, यहाँ से मैं कोई भी पी डी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट के रूप में सो so, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक पी है इस पी को मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ सो so, यहाँ से इसको मैं अपलोड कर दे रहा हूँ एक एम से कम का ये पी है देख सकते हैं ये भी अपलोड हो चुका है तो तीनों फाइल अपलोड हो चुकी है तो यहीं पे आपको प्रॉब्लम आने वाला था मैंने आपको बता दिया लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोनों ही एप्लीकेशन का तो उससे आप ट्राई कर लीजिएगा यहाँ से आई अंडरटेक पर क्लिक करना है और प्रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है तो देख सकते हैं मेरा ये फॉर्म सबमिट हो चुका है कोई दिक्कत नहीं लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन आ गया ये प्रीव्यू का ऑप्शन है अगर आपका फ़ी लगने वाला है तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो फ़ी पेमेंट कर दीजिएगा ऑनलाइन कोई दिक्कत नहीं है नहीं लगता है तो आपको फी का ऑप्शन नहीं आएगा नीचे जाके लास्ट में आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखेगा उसको सबमिट आपको कर देना है सो so, यहाँ पे देख सकते हैं आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है इसको आपको प्रीव्यू चेक करके लास्ट में यहाँ पे सबमिट कर देना है अगर आपका पेमेंट लगता होगा तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा अगर नहीं लगता होगा तो पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा सो so, अगर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो ऑनलाइन पेमेंट कर देना है पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको यहाँ से देख सकते हैं आपको प्रिव्यू चेक करके सबमिट पर क्लिक करना है मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सक्सेसफुली सबमिटेड सो so, अब आपका जब सबमिट हो चुका है तो अगर आपको प्रिंट करना है पी तो आप कैसे कर सकते हैं सिंपल से आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऊपर में यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर पे आपको आ गया है प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन सो so, जैसे ही आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दी जाएगा ऊपर में सो यहाँ पे आपको प्रिंट पे क्लिक करना है देख सकते हैं राइट पे यहाँ पे मिल रहा होगा और यहाँ से आप पी आपका सेव करने का आ जाएगा यहाँ से आप पी सेव करके रख सकते हैं सो so, इस तरह से आपको पूरा सबमिट करने का ऑप्शन है आप कर सकते हैं पूरा रजिस्ट्रेशन तो प्रिंट तक आप अप्लाई कर सकते हैं जब एडमिट कार्ड आएगा तो यहीं पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा एडमिट कार्ड का यहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे इसीलिए आपको लॉग इन और पासवर्ड याद रखना जरूरी है so, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद